अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आप 7.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमने फॉर्मूला प्रूव करना है जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर टाइम में पढ़ा था। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला हमने प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको कुछ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ बता दूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मतलब? देखो बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम। हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन में हम हाँ कोई बेटा पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट लेट्स सपोज ए नाम है इसका, और इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर पे इनिशियल में कैसे लिखा जाता है, एक्स कोमा वाई। अच्छा लेट्स सपोज इस पॉइंट का जो ओरिजिन से फासला है, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो फासला है वो है आर, ठीक है। तो जब हम इनको याद रखना, आप ये जो हमने एक्स कोमा वाई लिखा है, हम यहां पर एक्स की जगह पर थीटा भी लिख सकते हैं और वाई की जगह पर आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। या आपको शायद याद भी हो, फिजिक्स में भी आपने इस तरह की चीजें पढ़ी है। अब ये क्या है, मतलब हम इसी एक्स कोमा वाई को आर कॉस थीटा और वाई की जगह पर आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर वाई की जगह पर। आर क्या है? आर बेटा वही जो इसकी लंबाई है, इस लाइन की लेंथ है वो, और थीटा क्या है? थीटा बेटा वो एंगल जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बराबर है, ठीक है ना। हम एक्स वाई लिखे या फिर एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा को आर वाई की जगह पर आर साइन थीटा लिखे, दोनों चीजें ठीक है, पर ये दो अलग अलग सिस्टम है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और जिसमें थीटा आ गया, इसको बेटा जी बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा
एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की बात क्या बनेगी, आर कॉस थीटा, तो यही लिखा था मैंने, एक्स इक्वल आर कॉस थीटा। इसी तरह हम साइन के रेशो ले लेना तो वो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो वहां से वैल्यूज बच जाएंगे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह के हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। और उनके दरमियान रिलेशन कैसे बनता है वो भी आपको बना के मैंने दिखा दिया। अच्छा अब जरा बेटा इस क्वेश्चन के प्रूफ की तरफ आते हैं। तो यहां पर हम क्या करने लगे, हमने इसको प्रूफ करना है। तो मैंने एक एक्स वाई प्लेन बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि हमने इसमें कुछ वेक्टर्स देने हैं, पहले दो पॉइंट्स आने फिर उनके वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। लेट करते हैं ओ ए एंड ओ बी, लेट ओ ए एंड ओ बी दो वेक्टर्स दे रहे, पर ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, आर टू यूनिट वेक्टर्स। हमने दो वेक्टर्स दिए ओ ए और दूसरा कौन सा ओ बी, और दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, आर टू यूनिट वेक्टर्स, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। और आपको याद होना चाहिए बेटा यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है, वन। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स की भी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वन, ठीक है ना। जरा डायग्राम बनाता हूं मैं पहले, लेट्स सपोज ये तो पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है ए, और यहां पर क्या है ओरिजिन, और यहां से भी मैं लेट्स सपोज ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ओ से ए का जब हम एक वेक्टर बनाएंगे, बल्कि उससे भी पहले ये पॉइंट ए है, तो इसको जरा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं लिखूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूंगा, ठीक है। वो क्या होंगे, ये होंगे, अभी मैंने इसमें करेक्शन कर दिया थोड़ी, और इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, करेक्शन के बाद हमने चेंजिंग कर। अच्छा अब ये वेक्टर है ओ से ए का, अब वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए, ये वेक्टर बना लेते हैं ओ से बी का, ठीक है, ओ से बी का वेक्टर, इसको क्या बोला जाएगा, वेक्टर फ्रॉम ओ टू बी, ठीक हो गया, दो वेक्टर्स बना लेते हैं। अच्छा अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल भी तो बना रहा है, तो मान लो कि वो जो एंगल बना रहा है एंगल है अल्फा, और जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है वो है जी एंगल बीटा। जो वेक्टर ओ ए एंगल बना रहा है वो है एंगल अल्फा, और जो वेक्टर ओ बी बना रहा है एंगल वो है एंगल बीटा। पर ये जो बीटा एंगल है ये किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर आपको याद हो तो बेटा क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लेते थे, क्लॉकवाइज एंगल क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे, ठीक हो गया। ये नेगेटिव साइन बेटा सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा अब बताओ जरा यहां पर मैंने क्या कहा था, ये आर क्या है, ये आर क्या है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ लंबाई मैग्नीट्यूड, ये आर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड होगी, आर क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड कहां से बात है, ओ से ए तक। तो मुझे बताओ ओ से ए तक की लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगी, वन होगी ना, क्यों, क्योंकि बेटा हमने क्या बोला था ओ ए कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो यहां से तक लेंथ होगी वो क्या होगी, वन, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वन, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, वन, और वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहां पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ओ बी वेक्टर, ये भी कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, वन, इसके
ठीक हो गया। तो होप्स ओके डायग्राम समझ आइए, बिकॉज डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में भी और जो पिछले क्वेश्चन करवाए हैं उनमें भी डायग्राम लास्ट में आता है। तो अभी तक हमने क्या काम किया जरा उसको देखते हैं। लेट ओ ए एंड ओ बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स हमने लिए, कौन से ओ ए और ओ बी, तो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी वन। इसको माइंड में रखिएगा बिकॉज आप इसको हमें यूज करना है मेकिंग दो यूनिट वेक्टर्स तो लेंगे ओ ए और ओ बी, लेकिन किस तरह से लेंगे, मेकिंग एंगल अल्फा, ओ ए वेक्टर पहले है ना, तो एक एंगल कितना बना रहा है अल्फा, दूसरा वेक्टर कौन सा ओ बी, वो कितना एंगल बना रहा है माइनस बीटा, मेकिंग एंगल अल्फा एंड माइनस बीटा। Such that, अच्छा अब ये बताओ बेटा ये जो पॉइंट ए है इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा ओ ए। अब पोजिशन वेक्टर हम कैसे लिखते थे, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट है पी एक्स को वाई इसका हमें पोजिशन वेक्टर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, चलो ए नाम लिखो, ए का पोजिशन वेक्टर कैसे होगा ओ ए और इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई और वाई कोऑर्डिनेट के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर जी, ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली ये पॉइंट ए है इसका पोजिशन वेक्टर लिखना होगा ओ ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके साथ लिख देना है आई और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसके साथ क्या लिख देना है j, ठीक है। अच्छा आगे बिल्कुल इसी तरह ये जो पॉइंट b है इसका भी तो कोई पोजिशन वेक्टर होगा और वो क्या होगा ob। अब ob के बाद क्या होगी, सेम उसी तरह ये जो x कोऑर्डिनेट है इसके साथ क्या आ जाएगा आई और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसके साथ क्या आ जाएगा जे, ठीक हो गया। अब आपको पता है कॉस के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो कॉस बेटा माइनस का साइन अब्सॉर्ब कर जाता है पी जाता है, ठीक है ना, तो ये माइनस का खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा फिर कॉस बीटा आई यूनिट वेक्टर, साइन के साथ जब माइनस एंगल में आता था तो साइन एंगल के साथ जुड़ के माइनस को पीछे फेंकता था, तो साइन क्या करेगा इस माइनस को पीछे फेंकेगा, जब ये माइनस पीछे आके प्लस के साथ टकराएगा तो फिर क्या होगा माइनस हो जाएगा, कैसे माइनस प्लस माइनस, ये वापस आ गया वेक्टर ओ बी, इनका नाम रख लेते हैं, इसका नाम वेक्टर रख लेते हैं वन वेक्टर ओ ए का और दूसरा वेक्टर ओ बी एस का नाम रख लेते हैं टू, का
अब हमें बेटा ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट की बेटा डेफिनेशंस दो पढ़ाई थी मैंने आपको, एक में एंगल इन्वॉल्व होता है और एक में एंगल नहीं होता, कंपोनेंट वाइज हम डॉट प्रोडक्ट देते हैं। तो यहां पर हमें दोनों को यूज करना है, दोनों डेफिनेशंस को, ठीक है ना। नाउ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर दूंगा, ओ बी डॉट ओ ए विच इज इक्वल टू, पहले आ रहा है ओबी, तो ओबी की वैल्यू आ गया ए, आगे क्या आ रहा ओ ए, ओ ए की बात क्या वापस ये, सॉरी यहां से होगी दस साल के साथ अल्फा भी आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, कंपोनेंट वाइज डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, मैंने बोला था आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वापस क्या आएगा कॉस बीटा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो यही आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। और जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस साइन बीटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन यूज किया कंपोनेंट वाइज, अब हम दूसरी डेफिनेशन यूज करेंगे एंगल वाली डेफिनेशन, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते थे कैसे सॉल्व करते थे, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड
इसका मतलब दोनों के राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो यही थ्योरम दोनों के अगर लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब दोनों के राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, अच्छा भी आगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 3 और 4, ये दोनों स्मार्ट सिलेबस में है। यहां पर मैं आपको पार्ट नंबर 3 कर रहा हूं, सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है और पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है ना बेटा। जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन इसमें से स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट्स है, ये सारे के सारे लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारे पास अब मैं पार्ट नंबर 3 कर रहा हूं, तो इसके लिए जरा पहले डायग्राम बनाते हैं। और वो डायग्राम बनाना हमने एक ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसके इस वर्टेक्स का नाम ए रख रहे हैं, इस वर्टेक्स का नाम हमने बी रखा और इस वर्टेक्स का नाम सी रख लेते हैं। एक वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड बी सी है, उस साइड बी सी पर एक वेक्टर जा रहा है जो आगे की तरफ जा रहा है, उसका नाम, उस साइड का नाम कह लो या फिर उस वेक्टर का नाम कह लो, हम उसका नाम रख देते हैं वेक्टर ए। बी के सामने वाली साइड या वेक्टर को बोलते हैं स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी। अच्छा जरा इतना जो काम कर रहा है इसको हम पहले जो है ना ड्रॉ कर देते हैं, ये पीछे बेटा सेम एग्जांपल हुई भी है तो इसको आप देख सकते हो। पहले तो हम डायग्राम के बारे में, क्या लेट आ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। फर्स्ट क्या ट्राइंगल है, उसका नाम क्या है एबीसी, सच दैट वेक्टर्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये किस डायरेक्शन में, किस तरफ है, अलोंग द साइड्स। देखो सबसे पहले किसकी बात की, वेक्टर ए की, ये वेक्टर ए जो है ये किस साइड पर है, साइड बी सी पर, तो ये लिखेंगे अलोंग द साइड्स बी सी। ये किस साइड पर है, सी ए या ए सी, एंड ये वाला वेक्टर किस साइड पर है, ये वाला वेक्टर किस साइड पर है, ए बी, ठीक हो गया। सच दैट वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी किस तरफ है, अलोंग दी साइड, साइड की तरफ है, कौन सी साइड, बी सी सी ए बी, ठीक हो गया। अच्छा अब जरा मैं इस वर्टेक्स की बात करता हूं, वर्टेक्स बी की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने जो प्रूफ करना बी के लिए कर रहा है, मैं इसकी बात करता हूं बाकी जो बात की डील हो।
अब ये वर्टेक्स बी पर बेटा दो तरह के एंगल बन रहे हैं, एक एंगल जो अंदर वाली साइड पर बन रहा है जिसको बोलते हैं इंटरनल एंगल, और दूसरा एंगल जो बाहर वाली साइड पर बन रहा है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू क्या होगी जरा मैं उसकी बात करता हूं। मैं जरा साइड पर छोटे से डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूं। कुछ ऐसी डायग्राम है, ये वर्टेक्स बी है, तो मान लो कि अगर ये वर्टेक्स बी है तो इसका अंदर वाला एंगल जो है जो बी पे बन रहा है उसका नाम भी बी है, उसका नाम भी क्या है? बी। अच्छा ठीक है, ये हो गया अंदर वाला एंगल। बाहर वाला एंगल कितना है? वो ये है। अब मुझे जरा गौर करके बताओ, ये रेड वाला एंगल और ग्रीन वाला एंगल अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना बन जाएगा? ये हाफ सर्कल बन जाएगा। बाहर वाला एंगल और अंदर वाला एंगल, रेड एंगल और ग्रीन एंगल दोनों को मिला देते हैं, हाफ सर्कल बन जाएगा। हाफ सर्कल का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री से मुराद पाई। ये बेटा टोटल एंगल है, बाहर वाला एंगल और अंदर वाला एंगल दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए, मिला दे तो कितना मिल रहा है? पाई। अब अगर बेटा हमने सिर्फ बाहर वाला एंगल बता रहा हूं, कितना होगा बाहर वाला एंगल? ये रेड वाला एंगल बता रहा है, बाहर वाला एंगल कितना होगा? देखो ये टोटल एंगल है, टोटल एंगल में से अगर हम अंदर वाला एंगल माइनस कर दे, निकाल दे, कौन सा एंगल? अंदर वाला। टोटल में से माइनस कर दे, निकाल दें, कौन सा एंगल? अंदर वाला एंगल निकाल दें, और अंदर वाला एंगल क्या था? बी। तो बेटा अगर हम टोटल एंगल में से माइनस कर दें अंदर वाला एंगल तो बचेगा कौन सा एंगल? बाहर वाला एंगल बचेगा। ठीक है ना, मतलब टोटल एंगल था उसमें से अंदर वाला एंगल फाइव कर दिया तो बाकी का बचेगा बाहर वाला एंगल। इसका मतलब बाहर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल अगर बी है तो बाहर वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस बी। सिमिलरली यहां पर एंगल क्या बनेगा? वर्टेक्स बी का एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? पाई माइनस बी। वर्टेक्स सी का एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? इंटरनल की नहीं बात कर रहा, एक्सटर्नल की। इसका होगा पाई माइनस सी। वर्टेक्स ए का एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? पाई माइनस ए। ठीक हो गया। अच्छा अगली बात, बेटा यहां पर तीन वैक्टर्स हैं, वैक्टर ए ये यहां से चल रहा उस तरफ जा रहा, और उसके रास्ते में कौन सा वैक्टर आ रहा? वैक्टर बी। इसका मतलब ये वैक्टर ए यहां से चलता जा रहा, और रास्ते में कौन सा वैक्टर पड़ा? वैक्टर बी। वैक्टर बी यहां से स्टार्ट होगा, इसका मतलब वेक्टर ए किसको फॉलो कर रहा है? वेक्टर बी को, मतलब वेक्टर बी के पीछे। अच्छा इसी तरह वेक्टर बी यहां से स्टार्ट होगा, इधर आएगा, और इसी के रास्ते में कौन सा वेक्टर स्टार्ट होगा? वेक्टर सी। इसका मतलब वेक्टर बी पीछे से आ रहा है और किसको फॉलो कर रहा है? वेक्टर सी को कर रहा है, और वेक्टर सी जाता हुआ इधर को जा रहा है, तो यहां से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ए। इसका मतलब वेक्टर सी किसको फॉलो कर रहा है? वेक्टर ए को। तो पता ये चला कि वेक्टर ए ऐसे, वेक्टर बी ऐसे, वेक्टर सी ऐसे, ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करते हुए तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्या बना रहे हैं? क्लोज फिगर बना रहे हैं। तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्या बना रहे हैं? क्लोज फिगर बना रहे हैं। याद रखना बेटा, जब तीन वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्लोज फिगर बनाते हैं, या चार वेक्टर्स या पांच या जितने भी वेक्टर्स 100 200 300 जितने भी वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्लोज फिगर बना दे, तो याद रखना उन तमाम वेक्टर्स का जो सम होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वेक्टर ए बी सी का सम क्या आएगा? तीनों का सम क्या आ जाएगा? जीरो। अच्छा हमने जो प्रूफ करना है उसमें देखो आपको लेफ्ट साइड पर क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है। तो बेटा बी को यहां पर रहना, तो बाकी सारे क्लास को राइट साइड पर ले जाओ। तो क्या आ जाएगा? वेक्टर बी इज इक्वल टू ए प्लस का बेटा क्या आ जाएगा? माइनस का ए।
सी प्लस का बना दिया आ जाएगा माइनस का सी। माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया, इसका नाम रख दो इक्वेशन वन, इसका नाम रख लो इक्वेशन वन। अब हमने क्या करना है, हमने डॉट प्रोडक्ट लेना, हमें क्या चाहिए बी का स्क्वायर चाहिए, ठीक है आ जाएगा वेक्टर बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना। अब क्या करेंगे, हमने पहले क्या लिखा वेक्टर बी, वेक्टर बी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली, तो हम इस बी की जगह पर वेक्टर बी की वैल्यू पुट करेंगे, और वो वैल्यू क्या है, फिर क्या आ रहा है डॉट डॉट एज इट इज। अब आगे क्या आ रहा है, आगे फिर बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो इस बी की जगह पर भी हम उसकी वैल्यू पुट करने लगे हैं। यहां से आप ब्रैकेट लगा देना बड़ी, क्यों, क्योंकि माइनस है ना, तो और करना ही नहीं मिलेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस मिलेगा, इसको तो खत्म करो, बचा क्या, प्लस बचा और क्या आ गया ए प्लस सी डॉट, यहां पर क्या बचा ए प्लस सी, प्लस हमारे क्या आपको पता जरूरत क्यों है, तो हमारे पास क्या आ रहा है बी डॉट बी, ठीक हो गया। अच्छा आप यहां पर बेटा डायरेक्ट नौ के बाद ये स्टेप लिख सकते थे, आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज माइनस प्लस ही प्लस लगा था, तो आप चाहोगे तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, गलत नहीं। अब जरा हमने डॉट प्रोडक्ट करना है इनका, और आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी डॉट प्रोडक्ट की, कि जब हम सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके इक्वल आता है, उनकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मैंने आपको सेम वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का तरीका बताया था, अगर आपको याद हो। सेम वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेना था तो कैसे पता करना है कि उसकी मैग्नीट्यूड के स्केल के इक्वल होता है, और इसी चीज को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपल यूनिट तो वेक्टर का साइन ना लगाओ और वेक्टर का साइन लगाने को भी मॉड्यूलस होती है, ठीक है ना, सिंपल यूनिट के स्केल के इक्वल, ये एक ही चीज है, ऐसे भी ऐसे के इक्वल। तो जब भी सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो प्रॉपर्टी हम उसकी बड़ी थी कि वो क्या आता है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केल के इक्वल आता है, यही प्रॉपर्टी का इधर अप्लाई करो, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बी डॉट बी क्या आएगा, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना कैसे लेना, वही जो आम तरीका था, पहले वेक्टर ए का दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर वेक्टर सी का दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, ए का एक साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो वेक्टर ए डॉट ए, फिर हम ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 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 ए का सी के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लेगा, तो हमारे पास क्या आएगा ए डॉट सी, ठीक हो गया। फिर हमने ये वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दोनों वेक्टर्स के साथ, हमारे पास क्या आएगा, प्लस 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 वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक हो गया। फिर हम वेक्टर सी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, जिसका आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले इस वाले को दोनों के साथ, फिर दूसरी वाले को भी दोनों के साथ, तो ये इसको क्या हम सिंपल बी का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, यहां पर भी सेम वेक्टर्स हैं डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो फिर हम इसको भी ए का स्क्वायर लिख सकते हैं,
ठीक है, प्लस अच्छा इसको मैं पहले लिख रहा हूं सी डॉट सी, जहां पर भी ये प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या आएगा सी की, आ सी की मैग्नीट्यूड प्लस के, इस वाली वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक हो गया। अब कौन कौन सी कार बच गई, ए डॉट सी और सी डॉट ए प्लस, अब क्या जहां पर मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताई दी है कि ए डॉट सी करें या फिर सी डॉट ए करें, आंसर बेटा सेम रहता है, तो आंसर क्या रहता है सेम। तो यहां पर हम ए डॉट सी लिखने की बजाय सी डॉट ए भी लिख सकते हैं प्लस, ठीक हो गया। तो आगे क्या जाना हमारे पास बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात तो एक ही है ऐड ही करना है ना। अच्छा अब आगे क्या है प्लस, ये दोनों वैल्यूज तो सेम हो गई है सी डॉट ए C डॉट ए, दोनों वैल्यूज क्या होंगे सेम, और इन दोनों को करना क्या है ऐड करना है, तो C डॉट ए एक ए है एक ए है, एक बार जमा के कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहां पर बेटा C डॉट A दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी पहली वाली डेफिनेशन जिसमें एंगल होता था, क्या था डेफिनेशन, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, आगे क्या है कॉस cos of the angle between these two vectors, इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो आएगा आपको cos के साथ। अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कौन सा एंगल है, वेक्टर c और वेक्टर a, कौन कौन सा वेक्टर है, वेक्टर c ठीक है और वेक्टर a, c और a के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा pi minus b, ठीक हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस टू ये सी की मैग्नीट्यूड है, इसको हम सिंपल सी भी लिख सकते हैं, वेक्टर को साइड में तो टू मैग्नीट्यूड बन जाएगी, ये ए की मैग्नीट्यूड है, इसको हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं, आप वेक्टर का साइड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ये सिंपल ए, ठीक है ना मैग्नीट्यूड। अच्छा पाई माइनस बी, आपको फर्स्ट ईयर याद हो रिडक्शन फार्मूला टेक्निक पाई कॉस पाई माइनस बी, पाई माइनस बी पहले तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यह है पाई, अब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे तो आगे आएंगे कुछ माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, यहां पर क्या कर रहा है पाई माइनस बी माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करेंगे तो आएंगे पीछे, और पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, ठीक हो गया। पाई माइनस बी कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉस फंक्शन है ये क्या होता है ये नेगेटिव होता है, इससे हमने क्या लगा देना माइनस लगा देना, ठीक है क्या लगा देना माइनस, दो स्टेप हो गए आपको रिडक्शन फार्मूला फर्स्ट ईयर में करवाया था, सबसे पहले क्वाड्रेंट ढूंढो पाई माइनस बी कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप साइन चेक करो कि सेकेंड क्वार्टर में कॉस फंक्शन क्या होता है नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस लगा दिया। और थर्ड स्टेप था कन्वर्जन, क्या ये कॉस फंक्शन कन्वर्ट होगा या नहीं, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है पाई ये कहां पर आता है, इधर आता है पाई, ठीक है पाई कहां पर आता है एक्स एक्सिस पर, और जो एक्स एक्सिस पर एंगल होता था उस पर कन्वर्जन नहीं होती, तो आपको एक तरीका करता कि आप एक्स एक्सिस अलोंग अपनी गर्दन को हिलाएं तो आपको जवाब मिलेगा कि मतलब कन्वर्जन नहीं होगी आपको, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाला पाई एंगल एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो
तो इस पर cos फंक्शन की कन्वर्जन नहीं होगी, cos फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos और साथ में क्या आ जाएगा, पाई का काम खत्म हो गया, अब क्या आ जाएगा b। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस टू सी ए कॉस बी हैज प्रूव्ड। आप लोग ऐसा करें, यहां पर रेफरेंस भी लेते रहते ताकि आपको याद रहे। ये हमें चैप्टर 10 में बेटा आपको पढ़ाया था रिडक्शन फॉर्मूला। अच्छा चलो, अगर किसी को रिडक्शन फॉर्मूला नहीं आता, समझ नहीं आई, तो बेटा क्या करें, मुझे आपको अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, कॉस अल्फा माइनस बीटा वो अल्फा आप अप्लाई कर दो, इसको ओपन कर दो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना, वो अल्फा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो और बाद में इसको आप मुझसे मल्टीप्लाई कर देना, तब भी आपका आंसर यही बनेगा जो हमने लिखा। अब वो फॉर्मूला क्या है, चलो हो सकता है वो भी किसी को याद ना, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, तो आपकी मर्जी जैसे मर्जी यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा, अगर किसी को ये रिडक्शन फॉर्मूले की समझ नहीं आई तो बेटा वो यहां पर क्या अप्लाई कर दे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे कॉस अल्फा माइनस बीटा, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक हो गया, तो जरा अगर हम इसके फोर पार्ट की बात करें तो बेटा सेम एज इट इज रहेगा, बस थोड़ी थोड़ी सी चेंज होनी है। सेम एज इट इज आपने चलना है, यहां से हम बी की वैल्यू का लेते हैं, वहां से क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू का लेंगे। बस बी की जगह पर सी करते हैं और सी की जगह पर बी करते हैं। अब यहां पर कौन सा एंगल आ रहा है, बी डॉट ए की बात कर रहा था, बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन बी एंड ए, तो बी और ए और बी, ए और बी के दरमियान एंगल कौन सा है, पाई माइनस सी, सेम वही प्रोसीजर है, चौथा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। ए स्क्वायर वाला लिख लो, बी स्क्वायर बाद में लिख लो, तो यहां पर अगेन रिडक्शन फॉर्मूला लगेगा सी, तो ये बेटा हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम।